ओम शांति। आज की तारीख है 14/10/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा परम शिक्षक बनकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हुए कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञानामृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं, कब और कैसे? उत्तर है, जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते। आज अच्छा पढ़ते और कल पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को फिर ये कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत बजा है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, घर का काम करते भी समय निकाल कर रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। नंबर दो, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है। स्वयं परमपिता परमात्मा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति ही स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भी रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है, उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार समाने का अभ्यास ही। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।